दोस्तों, मैं अभी ये BMW iX 40 इलेक्ट्रिक के अंदर बैठा हूँ और यहाँ पर जो ये जो वर्जन है इसकी प्राइस यहाँ पर ऑलमोस्ट 100,000 फ्रैंक्स यानी कि करीब 90 लाख की है और इंडिया में इसकी प्राइस रेंज बिटवीन 1.2 to 1.5 करोड़ है। तो आई थिंक ये मेरी मोस्ट एक्सपेंसिव कार है जो मैं अपने लाइफ में बैठा हूँ। तो ये इलेक्ट्रिक कार के जो मैं आपको दिखाऊंगी इसके अंदर जो है जो फीचर्स वगैरह, तो वो सिमिलर टू नॉर्मल कार हैं। इसमें जो स्क्रीन्स हैं, पार्किंग असिस्टेंस है, नेविगेशन है, मैप्स है, म्यूज़िक है, ब्लूटूथ है, तो ये सारा कुछ, और वेरियस मोड्स हैं इसमें, जैसे असिस्टेड मोड है, AI वगैरह जो आजकल नॉर्मल कार्स में है। पर दो तीन चीज़ जो इलेक्ट्रिक कार्स जो जिसके कारण जो है आजकल यूरोप में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं। एक तो नंबर 1, थोड़ा इन्वायरमेंट कॉन्शियसनेस लोगों में ज़्यादा है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसेंटिव्स अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इस कार को अगर मैं लीज़ में में लेता हूँ ज़्यादा तो ये मुझे स्पेस ज़ीरो पॉइंट मिलेगा नाइन जहाँ तक परसेंट कि ऊंची इंटरेस्ट में जो गाड़ी मिलेगी, हो सड़क एज़ जगह पे कम्पेयर चलती टू है अगर तो नॉर्मल गाड़ी है। नॉर्मल गाड़ी अभी जो है हेलो। 3 to 4% मैं इंटरेस्ट आपको से एक बार कम पे इसका जो है बूट दिखा दूं, गाड़ी नहीं मिलेगी, और एक तो बूट परसेंट के का बाद जो मैं है आपको ये दिखा इंटरेस्ट दूं में कि जो है कैसा उससे जो काफ़ी प्रीमियम जाता है स्पेसिफिक उसमें है ये काफ़ी सेफ फ़र्क कार। पड़ जाता है। और सेकंड, ऑफ कोर्स, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स की कुछ जो स्पेशल फीचर्स हैं, एक तो इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो जो है नॉर्मल कार से, ऑटोमेटिक कार्स की बात कर रहा हूँ, काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि ये अगर आप जो एक्सेलरेशन इसका जो है इसको रिलीज का कम करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो जो है आपकी जो है सामने वाली गाड़ी को भी जो है अगर वो पास हो तो उसको सेंस कर लेता है अकॉर्डिंगली। फिर जो है, क्योंकि वो जो AI सिस्टम्स जो सेंसर्स हैं तो उससे जो है गाड़ी अकॉर्डिंगली स्पीड जो है रीएडजस्ट कर लेती है। तो मैंने अभी इस गाड़ी को जो है 2 दिन काफ़ी चलाया है टेस्ट ड्राइविंग में, तो मैंने देखा है कि इसका जो ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि ये जो है इससे जो है आप ब्रेक कम यूज़ करते हो। और ये जो ये सारी जो लग्जरी कार्स हैं इनका जो एक वन मेन एक्सपेंस जो है थोड़ा यूज़ करने के बाद होता है वो ब्रेक में होता है, क्योंकि वो ब्रेक शू वगैरह इसका जो है घिस जाता है तो उसको जो है चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो ये मैंने इलेक्ट्रिक कार का जो है एक थोड़ा सा डिफरेंट देखा। मैंने ये उसकी ऑडी की ई-ट्रॉन भी टेस्ट करी तो उसमें भी है। तो ये जो AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कार के सेंसर जो है और प्लस कंबाइंड विद द ब्रेकिंग सिस्टम, AI तो अब आप आजकल नॉर्मली सारे जो है थोड़ी सी एडवांस गाड़ियों में अब AI तो आ गया है, तो विद द ब्रेकिंग सिस्टम ये काफ़ी जो है उसमें ड्राइविंग कंफर्ट जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी एक्सेप्शनल हो जाती है। थोड़ा सा इसमें माइंडसेट जो चेंज करना पड़ता है इलेक्ट्रिक कार में ये है कि इसका जो रेंज है, यूजुअली जो बैटरी जो है बैटरी लेवल आपकी रहेगी 80%, तो इसका जो रेंज है वो अराउंड 300 to 350 किलोमीटर्स होगा। तो उसका मतलब ये कि एवरी मतलब वो कहते हैं कि 20% से कम नहीं जाए तो आपको इसका जो है रिचार्ज करानी पड़ेगी। तो अब हमारी जो अब नॉर्मल गाड़ी है, हमारी जो जो ऑडी है, वो उसको अगर मैं टैंक फुल कराऊं तो 850 to 850 किलोमीटर तक चलती है। पर तो उसका मतलब ये कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जा रहे हैं तो एक बार टैंक फुल कर दिया तो फिर टेंशन नहीं है, एक दो बार पेट्रोल मैक्सिमम भराना पड़ेगा। पर इसमें जो है एवरी 2 to 3 आवर्स आपको जो है कहीं रोक के आपको गाड़ी की बैटरी चार्ज करानी पड़ेगी। और EV स्टेशन अब बहुत हैं यूरोप में, मतलब एवरी मतलब कॉर्नर में EVs हैं, तो EV सिस्टम जो है मिलने में प्रॉब्लम नहीं है। पर चार्जिंग में जो है 15 minutes to 25 minutes जो मुझे बताया गया है वो फुल चार्ज करने में लगता है। तो ये है कि एवरी 2-3 आवर्स आपको लॉन्ग जर्नी में रुकना पड़ेगा। पर यह कि अगर आप लोकली यूज़ करना चाहते हैं गाड़ी तब, और अगर आप अपने खुद घर में जो है गाड़ी चार्ज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दो चार्जिंग सिस्टम है, एक लोकल जो आप EV स्टेशन में कराओगे, एक घर में। तो घर में अगर चार्ज करते हैं तो उससे जो है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है जो जो रेजिडेंशियल घर का जो इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है उसके हिसाब से जो है काफ़ी सस्ता पड़ता है कंपेयर टू यूजिंग ए पेट्रोल और डीजल कार। स्पेशली अभी जो लास्ट 1 or 2 ईयर्स में जो है पेट्रोल प्राइसेस जो हैं और डीजल प्राइसेस मोर देन डबल हो गए हैं, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक कार्स इन द लास्ट 1 or 2 ईयर्स काफ़ी पॉपुलर हुई है, क्योंकि कंपेयर टू जो नॉर्मल जो जो एमिशन वाली गाड़ी है उसमें जो है जो कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आती है। बल्कि जो मेरे मेरे को बताया गया और जो कैलकुलेशन जो मैंने की है, मुझे लगता है कि अगर घर पे अगर चार्ज करा जाए तो ऑलमोस्ट 50% चार्जिंग में आपको जो है 50% कॉस्ट में, लेस देन 50% कॉस्ट में आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। और ये चार्जिंग का है, तो दो किस्म के चार्जिंग है, एक तो ये
ये जो है ये घर पे चार्ज कर सकते हैं आप, और ये टर्बो चार्जिंग है जो कि आप फ्यूल स्टेशन में जाके कर सकते हो। तो टर्बो चार्जिंग जो हमें बताया गया है कि 15 to 20 मिनट्स, 20-25 मिनट्स में हो जाना चाहिए, तो अभी मैंने ये ट्राई नहीं किया है टर्बो चार्ज करके। और ये इसकी डिक्की है, तो काफ़ी अच्छा स्पेशियस है। और नीचे यहाँ पर ये देखिए, ये इसके कॉर्ड्स हैं, तो इसमें जो है दो कॉर्ड्स हैं, एक टर्बो चार्जिंग के लिए और एक घर पे चार्जिंग के लिए, तो ये मेन दो कॉर्ड्स होते हैं। यहाँ यूरोप में जो है स्टेपनी सिस्टम नहीं है, मतलब स्पेयर टायर जो है यूजुअली गाड़ी में नहीं होती है। तो आज देखिए दिन काफ़ी अच्छा है, सनी डे है, और कल तो बहुत स्नोफॉल हुई यहाँ, और अब ये गाड़ी में ट्राई कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी लग रही है दोस्तों। ये देखिए ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर ये एक दो पेडल्स हैं, क्लच ऑब्वियसली नहीं है, और स्टार्टिंग सिस्टम यहाँ पर है, ये स्टार्ट करने का है, तो ये दबा के फिर ये स्टार्ट होगी गाड़ी। और ये है जो इसके जो लीवर्स हैं, ये आगे जाने का है, ये पीछे जाने का है रिवर्स, और ये न्यूट्रल, और पार्किंग के लिए आप ये कर दो, तो ये पार्किंग में आ गई। तो ये जो है यहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं यहाँ पर, और ये अच्छा मुझे लगा, ये जो ये सारा जो कंसोल को कंट्रोल करने के लिए सारा म्यूज़िक वगैरह यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कि जो आपके साथ जो बैठा हो वो यहाँ से कंट्रोल कर सकता है। ये तो अब कंसोल काफ़ी लग्जरी कार्स में काफ़ी स्टैंडर्ड है, जिसमें कि म्यूज़िक और यहाँ से इसका कंट्रोल यहाँ से भी है, तो ब्लूटूथ फ़ोन सारा कुछ इसमें आप मैनेज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ स्टीयरिंग से भी कर सकते हैं। ये सीट इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट के, तो इसमें काफ़ी परम्यूटेशंस अलाउ करता है सीट चेंज करने के लिए, और ऑलमोस्ट लाइक जैसे लगता है कि बिजनेस क्लास वाले जो सीट्स होते हैं। यहाँ से ये दरवाज़ा खुलता है, और ये जो है ये सामने का स्क्रीन है ड्राइविंग स्क्रीन में, तो इसमें काफ़ी परम्यूटेशंस अलाउ करता है ये, तो काफ़ी इसके मोड्स हैं, तो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है। और ये मेन जो कंसोल स्क्रीन में जहाँ पर सारा नेविगेशन म्यूज़िक वगैरह जो है, ये भी ये सामने का कैमरा है आप देख रहे हो, तो अगर इसको मैं रिवर्स करूँगा तो ये पीछे के कैमरे में चला जाएगा। कोई एक्सेप्शनल नहीं है, और ये मोरलेस अब गाड़ियों में ये काफ़ी स्टैंडर्ड हो गया है। और दोस्तों ये सीट का जो है ये सेट करने के लिए है मेमोरी, यानी कि अगर दो ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हो तो वो सीट ऑटोमेटिकली 1-2 जो है एडजस्ट हो जाएगी इसमें। तो गाड़ी जो है बाहर से कुछ ऐसी है, मैं आपको एक चक्कर लगा के दिखा दूँ। मेरे ख्याल में ये स्पोर्ट्स वर्जन नहीं है, क्योंकि इसका ये काफ़ी ये बड़ा है, जो स्पोर्ट्स होती है वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, और इसमें भी जो है ये जो विंडो जो है बड़ा है, जो स्पोर्ट्स वाले में जो होगा वो थोड़ा सा कर्व्ड होगा। तो मुझे वैसे स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे ये रेगुलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे जो रियर में जो है ज़्यादा स्पेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ताकि पीछे की जो गाड़ी है और सड़क जो है अच्छे से दिखे।